गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मिलेनियम स्कूल क्लास एलकेजी सब्जेक्ट मैथ्स। तो बच्चों, आज का वर्क हम मैथ्स की बुक में करेंगे, पेज नंबर 16। आज का टॉपिक है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मींस अंदर, आउटसाइड मींस बाहर। तो यहां पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पिक्चर हमें दी हुई है हट की और हैन की। अब हम देखेंगे हैन हट के अंदर है, मींस हैन हट के इनसाइड है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे हैन हट के बाहर है, मींस हैन हट के आउटसाइड है। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली हैन हमारी इनसाइड है और ये वाली हैन हमारी आउटसाइड है। नेक्स्ट पिक्चर हमें टब की दी हुई है और मग की दी हुई है। तो अब हम देखेंगे मग टब के अंदर है, मींस इनसाइड है। नेक्स्ट पिक्चर में मग टब के बाहर है, मींस आउटसाइड है। अब हम दोनों पिक्चर में देखेंगे तो ये वाली पिक्चर हमारी इनसाइड है और ये वाली पिक्चर हमारी आउटसाइड है। नेक्स्ट, अब हम इनसाइड और आउटसाइड की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन लिखा है टिक फॉर इनसाइड एंड क्रॉस फॉर आउटसाइड। इनसाइड वाली पिक्चर पर हमें टिक का साइन लगाना है, आउटसाइड वाली पिक्चर पर हमें क्रॉस का साइन लगाना है। फर्स्ट पिक्चर हमें दी हुई है नेट की और बॉल की। अब हम देखेंगे बॉल नेट के बाहर है, मींस बॉल नेट के आउटसाइड है, तो यहां पर क्रॉस का साइन लगेगा। नेक्स्ट पिक्चर में बॉल नेट के अंदर है, मींस बॉल नेट के इनसाइड है, तो यहां पर टिक का साइन लगेगा। नेक्स्ट पिक्चर हमें कैनल की दी हुई है और डॉग की दी हुई है। अब हम देखेंगे डॉग कैनल के अंदर है, मींस डॉग कैनल के इनसाइड है, तो यहां पर टिक का साइन लगेगा। नेक्स्ट, डॉग कैनल के बाहर है, मींस डॉग कैनल के आउटसाइड है, तो यहां पर क्रॉस का साइन लगेगा। नेक्स्ट पिक्चर हमें एक बास्केट दी हुई है और फ्रूट्स दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे फ्रूट्स बास्केट के अंदर रखे हुए हैं, तो मींस फ्रूट्स बास्केट के इनसाइड है, तो यहां पर टिक का साइन लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रूट्स बास्केट के बाहर है, मींस फ्रूट्स बास्केट के आउटसाइड है, तो यहां पर क्रॉस का साइन लगेगा। नेक्स्ट पिक्चर हमें टब की दी हुई है और कैट की दी हुई है। अब हम देखेंगे कैट टब के बाहर है, मीन्स कैट टब के आउटसाइड है, तो यहां पर क्रॉस का साइन लगेगा। नेक्स्ट, कैट टब के इनसाइड है, मीन्स यहां पर टिक का साइन लगेगा। तो बच्चों, ये वर्क आपको अपनी मैथ्स की बुक में करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।